नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। दोस्तों, मुझे आज ब्लॉग शूट करने में टाइम लग गया क्योंकि देर हो गई, और मैं अब कर रही हूँ जब मैं हॉस्पिटल को जा रही हूँ। सुबह से काम करने में थी। हाँ, हैं, मिल गया। अरे पिछोड़ गई मैं। दोस्तों, एक तो मुझे लेट हो रही, दूसरा प्रिया ने मुझे परेशान कर रखा है। गुड मॉर्निंग तो बोल दे। गुड मॉर्निंग। और तू भी बोल दे अंकित, गुड मॉर्निंग। नमः सुप्रभात। बाप रे, हम अंग्रेज की औलाद है, ये प्योर हिंदुस्तानी है दोस्तों। देखना दोस्तों, एक तो लेट हो रही हूँ, पर है प्रिया मुझे बुला बुला के और लेट कर रही है। बच्चों का काम यही होता है, कष्ट करना नहीं, परेशान करना। कहीं सिमकांडे, अरे बाहर तो नहीं गए? पहुँच गई मैं अस्पताल, सांस फूल गई मेरी जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, अस्पताल से आ गई घर, 1 बजे है। कौन लाए इनके लिए? कितने का खरीद के लाए रहे इनके लिए? अरे दवाई लेने गई थी तो लाई। सारे सामान, आई ड्रॉप वगैरह। आओ पहले थी तो आ जाओ। दोनों ने नया नया पहन का। अला 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 ले 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 आओ 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 आओ। हाँ, तभी तो दर्द हो रही है। इसको अंकित दिखाने गया तो डॉक्टर नहीं था, तो वहाँ दवाई थी, आँख की दवाई लानी थी, कान की लानी थी और कीड़ों की लानी थी। अलग लाई है ना, वाली नहीं लाई है मैंने दीदी। ओले 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 मेरे बच्चे, आते नई नई चीजें पहनने की है, नई नई कपड़े पहने मेरे बच्चे ने। आ जा, आ मेरे बच्चा, आ मेरे बच्चा, आ मेरा बच्चा, आ जा आ जा, आ मेरा बच्चा, आ जा 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 आ जा। प्रिया अंदर से बंद दे दे। दोस्तों, घर पहुंची, सोचा बच्चों ने कुछ काम करा होगा। बच्चों ने कुछ काम नहीं कर रखा और भी काम बढ़ा रखा। और दोस्तों, आज मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई। प्रिया आज बैल जी के लिए और चिमकांडा के लिए लेके आई है। चिमकांडा के पास हमारी बेल्ट नहीं थी और पट्टा भी नहीं था, तो ये इनके लिए लाई है। मैं नहीं तो इसको बांध के ले जाती थी ना चिमकांडा को। चिमकांडा भी, बैल जी भी, दोनों सुंदर लग रहे। और दोस्तों, बैल जी मेरा बीमार हो रहा, सुस्त हो रहा है। ये देखो बैल जी के गले में कितना सुंदर लग रहा ना। घर पहुंची हूँ, चाय बनाती हूँ। अभी किचन में बर्तन है सुबह के चाय के, वो वैसे ही है, उन्हें धोती हूँ। फिर मुझे अंकित की पारो आंटी के वहाँ जाना है कीर्तन में। दोस्तों, बच्चों को खाना देना भी मेरा ही काम है, इन्होंने खाना भी नहीं दिया है और एक तरफ से चाय रखी है, चाय नहीं पी है। व्रत के दिन है, पहले तो वैसे ही कम पीती हूँ, फिर जो टाइम मिलता वो भी नहीं हो पाता मेरा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं किचन साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं पारो आंटी के यहाँ कीर्तन में। पारो के घर में मेरी आंटी थोड़ी है, अंकित के चक्कर में मैं भी आंटी आंटी कहने लगी। उनसे अभी आंटी कहने लग गया। वही है बीमारी। जा रहे हैं, चौथा तो अभी हमारा साथी है नहीं, वो कहीं और कीर्तन में है। तो हम यहाँ से तीन ही है आए, दो आगे से मिलेंगे। राधा वहाँ, उनके यहाँ रेनू नहीं है, रेनू चुफाल, जो रेनू चुफाल और 2-3 लोग वहाँ उधर है कीर्तन के लिए 1 बजे से। तो दोस्तों, हम यहाँ से ले रहे बतासे और दूध, और उसके बाद हम जाते हैं पारो उनके यहाँ से। अंकित तो कब का चले गया दोस्तों, हम ही लेट हो गए हैं। 1 रुपया भी देना है तारा ने। बराबर, कितनी हिसाब ये तुम मुझे दे रहे हो क्या? 1 रुपया है, तुम मेरे को दे रहे हो 1 रुपया? फिर 4 रुपये। जय माता की, जय माता की। मैंने कहा दिख नहीं रहे कोई भी हमें, अभी आते रहे, आते आते कहाँ गायब हो गए? पैदल पैदल आए ना। अरे लगते ही हमने देख लिया, हमने उधर को कहा क्या बात है भाई? अंजू मैडम, ठंडा कम नहीं हो रहा? ठंडा क्या, कल ठंडा लग रहा है, पूरे दिन ठंडा नहीं हुआ हाथ पैर। शरीर में खून की कमी होगी मैडम, खून की कमी हो रही है। चुकंदर खाओ, चुकंदर, शुक्रवार का चुकंदर लेना पड़ेगा। वही तो हम लोग पहुंच गए पारो लोगों के घर, और हम हैं 5 लोग। ओ, गेहूं का नुकसान हो गया। हाँ, तो I'm not afraid of the dark.
चलो भाई अब अपने 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 घर को प्रस्थान करिए। इनके घर में कीर्तन था भैया, ये अंकित के पारो आंटी, इनके घर में कीर्तन था भाई, कीर्तन होगा, विश्राम हो रहा, अब अपने घर को प्रस्थान हो रहा, अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। एक बार मंदिर से आके, सॉरी मंदिर से कह रही, कीर्तन से आके अब दोबारा मंदिर में जा रही, अपने शिव मंदिर में। शाम के 5 बज रहे हैं और घर का थोड़ा बहुत काम कर गई, बाकी छोड़ा ही प्रिया कर लेगी दोस्तों। अब ऐसे ही रहेगा जब तक नवरात्रियाँ रहेंगी, मेरा ऐसे ही रहेगा, कभी इधर भागो कभी उधर भागो। और आजकल तो दोस्तों डेली साड़ी पहननी पड़ रही, आज तो पूरे दिन भर मैंने साड़ी पहन ली, नहीं तो पूरे दिन भर साड़ी कम ही पहनती हूँ। अब नवरात्रि में ऐसे ही रहेगा मेरा। अब तो थोड़ी देर वहाँ भी होके आते हैं मंदिर में, भजन कीर्तन करके आते हैं दो चार, फिर घर का काम करेंगे। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। देख यहाँ पर मेरे बैल जी के लिए बन बना दिया करो, थैली में डाल के दे माही, हाँ नहीं तो मेरा बैल जी तेरे से लड़ना आ जाएगा, पता होना चाहिए। मेरा बैल जी रोज बन मांगता है, कहता माही से बन लेके आया कर, हैं आओ वहाँ पर जाओ खाओ। आंटी ले जाएगी, तुम्हें दे दिया बच्चा, अब नहीं है कुछ नहीं है, मैं घूम के आ रही हूँ। आंटी का भी है तुम? हाँ, मैं यार, मम्मी की चल रही है अपनी व्रत की तैयारी। अरे ना मुझे भूख लग रही है ना, प्यास लग रही है, मेरा मन कर रहा है सो जाऊंगा। अरे ऐसा थोड़ी कैसे लगा काम मैडम।
खाना रेडी हो गया, अब खा लेते हैं खाना। और प्रिया के लिए और अपने लिए रख दिया, प्रिया के अंकित और प्रिया के लिए बनाए हैं आलू के पराठे और अपने लिए बनाई है रोटी सब्जी। और बूदी का रायता, बूदी का रायता तो खैर सभी जने खाने वाले हैं। तो दोस्तों भूख भी लग रही है, नींद भी लग रही है, खाना खाती हूँ सो जाती हूँ, आजकल नींद बहुत जल्दी आ जा रही, खाना खाती नींद आ जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ, कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद ले प्रिया।